हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काव्या। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे सोन चंपा, जिसे स्वर्ण चंपा भी कहा जाता है, इसकी केयर हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम पा सकते हैं इस पर ढेरों फूल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। सोन चंपा, जिसके कई सारे नाम हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैग्नोलिया चंपा का भी कहा जाता है, गोल्डन चंपक, जॉय परफ्यूम ट्री, येलो जेड ऑर्किड, सोन चंपा है, स्वर्ण चंपा, और भी कई ऐसे नाम हैं इस खूबसूरत पौधे की। तो स्वर्ण चंपा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, यानी अगर आप एक बार अपने गार्डन में इसे ऐड कर लेते हो तो सालों साल ये हमारे गार्डन में बना रहता है। सोन चंपा एक ट्री फॉर्म में ग्रो होता है, तो अगर आपके पास ग्राउंड में ग्रो करने की जगह हो तो आप ज़रूर इसे ग्राउंड में ही ग्रो कीजिएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहो तब भी आप इसे बहुत ही ईजिली पॉट में ग्रो कर सकते हो। तो किस साइज़ का पॉट आपको इसे देना है आगे मैं आपको बताऊँगी। सोन चंपा एक बहुत ही ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स, और ये ग्रो करता है लगभग 4.5 से 7.5 मीटर तक। इसीलिए इसे हमें बहुत ही बड़ा पॉट देना होगा, यानी कि आप इसे दे सकते हो लगभग 16 से 20 इंच का पॉट, यानी जितनी अच्छी पॉट साइज़ आप इसे दोगे उतना ही अच्छा ये ग्रो करेगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, जो सोन चंपा का प्लांट है, काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि उनके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो प्लांट लिया है वो ग्राफ्टेड वेराइटी नहीं होगी। तो जब भी आप स्वर्ण चंपा का प्लांट लेने जाते हो तो ज़रूर आप ग्राफ्टेड प्लांट ही लीजिएगा। ग्राफ्टेड प्लांट में आपको उसी साल में फ्लावरिंग देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सॉइल की, तो किस तरह की सॉइल हमें सोन चंपा के प्लांट को देना है। तो जब भी आप सोन चंपा के प्लांट के लिए सॉइल बनाते हो तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमें उसे ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र के साथ ही रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करते वक्त आप इसे सॉइल लीजिएगा 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट। साथ में आपको देना होगा 1 से 2 चम्मच, अगर बड़ा पॉट है तो आप 2 से 3 चम्मच भी कर सकते हो, नीम खली ऐड कीजिएगा। आप 2 स्पून बोन मील लीजिएगा और 1 बड़ा स्पून आप सी वीड ग्रैन्यूल्स दे सकते हो, और आप अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट हो तो वो भी आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। इतने ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ आप इसे रिपॉट कीजिएगा। अगर आपके पास यूज्ड, यानी जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती, अगर आप वॉश करके उसे अच्छे से सुखा कर उसे यूज़ करते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो हमारे सॉइल को एसिडिक बनाएगा जिससे इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने मिलेगी। और साथ में आप थोड़ा सा पोटैश ऐड कर सकते हो, बट जब हम प्लांट को रिपॉट करते हैं फ्रेंड्स तो हमें सिर्फ जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ ही रिपॉट करना है। आप फर्टिलाइज़र्स लगभग 2 महीने बाद शुरू कर सकते हो ऐड करना, आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी 2 महीने बाद यूज़ कर सकते हो, बट जब आप रिपॉट करते हो तब आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ ही प्लांट को रिपॉट कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पानी की, तो स्वर्ण चंपा को मॉइस्ट सॉइल पसंद होता है, तो इसकी सॉइल जो है ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी सॉइल तो आपके फ्लावर्स जो खिलते हैं वो जल्दी ही झड़ना शुरू हो जाएंगे और आपको इस तरह के ब्राउन टिप्स भी देखने मिल सकते हैं। तो आप टाइम टू टाइम समर्स में स्पेशली पानी का खास ध्यान रखिएगा, आप हमेशा सॉइल को चेक कीजिएगा, अगर हल्का भी मॉइस्चर कम लगे तो आप इसमें तुरंत पानी ऐड कीजिएगा। और जब भी आप इसमें पानी दो तो बहुत अच्छे से पानी दीजिएगा, पूरा जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकले तब तक आप इसमें पानी दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लोकेशन की, तो आप देख सकते हो मेरे प्लांट के लीव्स पर बर्निंग्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो ये रीज़न है फ्रेंड्स दोपहर की जो धूप है डायरेक्ट वो मेरे प्लांट पर जो है पड़ती है। तो आप इसे ऐसी लोकेशन दीजिएगा जहाँ पर इसे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिल सके और उसके बाद पूरे दिन की ब्राइट लाइट में ये प्लांट रहता हो। तो मेरे पास ऐसा लोकेशन नहीं है फ्रेंड्स, मेरा जो है वेस्ट फेसिंग हाउस है, तो मुझे दोपहर की ही जो है हमारे प्लांट को धूप मिलती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो काफ़ी सारे बर्निंग्स मेरे प्लांट पर देखने मिल सकता है। मैंने इसके लिए ग्रीन नेट भी लगाया है बट फिर भी जो है लाइट इस पर पड़ती है जिसकी वजह से काफ़ी सारी बर्निंग्स जो है मेरे प्लांट के पत्तों पर हो रही है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप इसे सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शाम की सनलाइट भी दे सकते हो, बट जो आफ्टरनून की जो समर की सनलाइट होती है वो काफ़ी हानिकारक होती है इस प्लांट के लिए, तो आप इसे उस सनलाइट से बचा कर रखिएगा।
समर्स में हम सभी प्लांट पर शावरिंग करते हैं, तो आप इस प्लांट पर भी शावरिंग कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, जब इनके फ्लावर्स खिलते हैं यानी जब इन पे फ्लावरिंग हो रही हो, तब आप इस पर पानी का बिल्कुल भी स्प्रे मत कीजिएगा, वरना आपके जो फ्लावर्स है वो जल्दी ही झड़ जाएंगे। वैसे इसके फ्लावर्स 2-3 दिन तक लास्ट करते हैं, और जैसे ही हवाएं चलती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी महक आपके पूरे गार्डन में फैल जाएगी। इसके फ्लावर्स बहुत ही फ्रेग्रेंटफुल होते हैं। इसके आपने शायद अगरबत्ती भी देखा होगा, इससे परफ्यूम भी बनाया जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत इनके फ्लावर्स होते हैं। और आपने देखा होगा कई बार इसे प्रिजर्व भी किया जाता है ग्लास के बॉटल्स में, तो बहुत ही खूबसूरत इनके फ्लावर्स होते हैं। तो आप चाहते हो अगर आपके फ्लावर्स ज़्यादा समय तक आपके प्लांट पर बने रहे, तो आप इस पर शावरिंग मत कीजिएगा। शावरिंग ना करने का एक और फ़ायदा है फ्रेंड्स, प्लांट फंगस से बच सकता है। तो जब शाम हो जाए तब आप इस पर शावरिंग मत कीजिएगा, वरना फंगस का अटैक आपको अपने प्लांट पर देखने मिल सकता है। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। तो कौन से फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको देखने मिल सकता है? तो सबसे पहले आपको इसे फर्टिलाइज़र करना होगा अक्टूबर और फेब्रवरी मंथ में। आप इसमें अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ऐड कर सकते हो, जिससे इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल जाएगी। और जब भी इसकी फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट होगी यानी स्प्रिंग से लेकर रेनी सीज़न तक, आपको इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देखने मिल सकता है। स्पेशली जून से जुलाई के बीच ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो जैसे इसका फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट होता है, तब आप इसमें ऐड कीजिएगा 1 से 2 मुट्ठी आपको डालना होगा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। 2 स्पून आपको नीम खली ऐड करना है, 2 स्पून बोन मील, 1 से 2 चम्मच आप पोटाश यूज़ कर सकते हो, 2 स्पून आपको यूज्ड चाय की पत्ती ऐड करनी है, और 1 चम्मच आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर ऐड करना है। आप 15 दिन के गैप में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हो, या फिर आप सीवीड जो लिक्विड होता है उसका स्प्रे, या फिर आप मिट्टी में भी उसे ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे इसकी पत्तियां काफ़ी अच्छी ग्रीन आपको देखने मिलेगी। या फिर आप सिंपली NPK ऐड कर सकते हो, जो 19:19:19 होता है, वो आप हर 15 दिन के गैप में इसके मिट्टी में या फिर स्प्रे कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रूनिंग और प्रोपोगेशन के बारे में। तो प्रूनिंग आपको इस प्लांट को करनी होगी, नए ब्रांचेस पर ही आपको फ्लावरिंग देखने मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपका प्लांट काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, तो आप इसकी टिप्स की प्रूनिंग कर सकते हो, यानी हल्की हल्की आपको प्रूनिंग ज़रूर करना होगा हर साल। नए ब्रांचेस पर ही फ्लावरिंग होती है, पुराने ब्रांचेस पर आपको कभी भी फ्लावरिंग देखने नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा इसकी टिप्स की प्रूनिंग करते रहिएगा, जितनी अच्छी प्रूनिंग आप करोगे उतनी ही अच्छी फ्लावर्स आपको देखने मिल सकते हैं। और प्रोपोगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी प्रूनिंग करते हो, यानी कि अगर स्प्रिंग में आप इसकी प्रूनिंग कर रहे हो, तो उसी को आप एज अ कटिंग भी ग्रो कर लीजिएगा। इसके कटिंग्स भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। आप कोई भी हार्ड वुड ब्रांच ले लीजिएगा, और उसमें आप रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो हनी भी यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी मॉइस्ट सॉइल लीजिएगा इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए, और कुछ ही दिनों में आप देखोगे ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेगा इसकी कटिंग्स। तो आप कटिंग्स के थ्रू इसे इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पेस्ट के बारे में। तो मैंने अपने प्लांट पर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं देखा है, बट फिर भी प्लांट को किसी भी तरह के पेस्ट से बचाने के लिए आपको टाइम टू टाइम इस पर पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना होगा। तो आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हो, नीम ऑयल दोनों ही काम करता है पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का। तो हर 10 या 15 दिन के गैप में आप इस पर अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे। जितना हेल्दी आपका प्लांट होगा, उतने ही अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ आपके प्लांट पर आपको देखने मिल सकती है। स्वर्ण चंपा पर आपको कभी कभी डाईबैक की प्रॉब्लम भी देखने मिल सकती है, यानी ऊपर से प्लांट मरने लगता है, यानी ब्राउन होने लगता है स्टेम। तो ऐसे टाइम पर आपको उस प्लांट के एरिया को कट करना है, यानी जितना एरिया ब्राउन हो चुका है उसे कट करके आपको अच्छे से वहाँ पर फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना है। डाईबैक के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अगर आप उसे प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, यानी आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो या अंडर वाटरिंग कर रहे हो, और कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी डाईबैक की प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। तो आप हमेशा एक नज़र बनाए रखिएगा अपने प्लांट पर, क्योंकि मेरे प्लांट पर भी ऐसा एक बार अटैक हुआ था। तो मैंने उसे कट कर दिया था फ्रेंड्स, और अच्छे से फंगीसाइड अप्लाई किया था, और मेरा प्लांट बच चुका है। तो अगर आपके प्लांट पर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप ज़रूर ये जो है सोल्यूशन कीजिएगा।
और काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसके भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हो, पानी आप ठीक तरह से नहीं दे रहे हो, या फिर आपने उसे लोकेशन सही से नहीं दिया है। तो आप उसे अच्छी लोकेशन दीजिएगा, बार बार प्लांट को शिफ्ट मत कीजिएगा और टाइम टू टाइम इसे फर्टिलाइज़ कीजिएगा। फर्टिलाइज़र से ही हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, सोन चंपा या स्वर्ण चंपा की केयर हम किस तरह कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो अभी आप इसे ऐड कर सकते हो। ये थोड़ा रेयर प्लांट है फ्रेंड्स, ग्राफ्टेड वेराइटी आपको जल्दी नहीं मिलती है। तो अगर आपको कहीं भी ये प्लांट दिखता है नर्सरी पर तो ज़रूर आप इसे ऐड कर लीजिएगा अपने गार्डन में, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी कहीं से परचेस कर सकते हो। पर जब भी परचेस कीजिएगा ग्राफ्टेड वेराइटी ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।